नमस्कार वंस अगेन आई एम वेलकम ऑन द फोर्थ वीडियो ऑन इनकम डिटरमिनेशन। और आप चौथा जो वीडियो देख रहे हैं इनकम डिटरमिनेशन के ऊपर, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको हम ट्रिकी भी मान सकते हैं, और इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम फॉर एन इकोनॉमी इज ₹20,000। क्या है ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम एन इकोनॉमी इज ₹20,000 crore इफ इकोनॉमी सेव्स 40% ऑफ एडिशनल इनकम व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन हमको निकालना है और दिया हुआ क्या क्या है, देखिए मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ। पहली बात इस पॉइंट को ध्यान देना पड़ेगा, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम इसको ध्यान रखना पड़ेगा और वो कितना है, ठीक है। दूसरा क्या, इकोनॉमी से 40% ऑफ एडिशनल, वर्ड क्या है एडिशनल, इस वर्ड को ध्यान, एडिशनल इनकम व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हम देखते हैं कि हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, अगर हम इसको हम यहाँ बनाते हैं, ब्रेक लेवल ऑफ इनकम होता क्या है, ये हमारा इनकम की लाइन है और हम यहाँ हमारा ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन की लाइन, मतलब हम इसको मान लो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस, ठीक है, इसकी लाइन। अब ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर C Y के बराबर होता है, C इज इक्वल टू Y मतलब ए पी सी इज इक्वल टू सी बाई वाई इज इक्वल टू, ये हमारा ब्रेक इवन का पॉइंट होता है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा C इज इक्वल टू Y, अब ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारा C इज इक्वल टू Y है, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, ये Y की लाइन थी ब्रेक इवन, और यही इस क्वेश्चन का की जान है, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। तो हमने निकाला कि एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है सी इज इक्वल टू वाई, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया इज इक्वल टू 20,000 और आपका ये क्वेश्चन हो गया आसान, ठीक है। ये जो करोड़ रुपीज है ना, करोड़ है तो हम देखिए करोड़, ठीक है। तो डेट ये हो गया। अब हमारा ये क्या कहता है, इकोनॉमी सेल्स 40% ऑफ एडिशनल इनकम, अब ये चीज़ तो हमारे पास थी, एक चीज़ तो हमारे पास आ गई, ठीक है। दूसरा चीज़ हमारे पास क्या है कि एडिशनल इनकम क्या बताता है, ये बताता है चेंज इन इनकम, चेंज इन एडिशनल क्या है इनकम, सेल्स 40% ऑफ एडिशनल चेंज इन इनकम होता है, एडिशनल इनकम क्या बताता है, ये चेंज इन इनकम को बताता है और वो सेव करता है, तो मतलब ये क्या हुआ एमपीएस क्या होता है डेल्टा जी डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई होता है। अभी हमारा एमपीएस दिया हुआ है 40%, तो हम ये यही चेंज को बताता है, इस पर चेंज डेल्टा वाई, हम चेंज को डिनोट करते हैं, हम यहाँ से लिख लेते हैं 40/100 इज इक्वल टू 0.4 हमारा क्या आ गया एमपीसी आ गया। अगर 0.4 एमपीसी है, हमको देखना हम क्या कर रहे हैं, हमने जो दिया हुआ अभी तक मैंने उसके ऊपर काम किया, व्हाट एवर द इंफॉर्मेशन आर गिवन इन अ टेक्सचुअल फॉर्म दैट आई हैव ट्राई टू डिराइव इट एंड आई हैव प्रेजेंटेड इन द न्यूमेरिकल फॉर्म व्हाट माय अप्रोच इज टू गेट द ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब देखो ऑटोनोमस कंजम्पशन में हमारा फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी बार। अभी तक हमने जो बात किया है, हमने बात किया है क्या, हमारा सी मालूम है हमको, इसमें सी बार निकालना है हमें और बी हमको मालूम नहीं, क्योंकि हमको यहाँ से एम पी एस से 0.4 मिल गया, वी नो दैट एक फार्मूला होता है हमारा एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एम पी एस मालूम हो गया, एम पी एम पी सी क्या हो गया 1 minus MPS इज इक्वल टू 1 minus 0.1 इज इक्वल टू 0.6, ये हमारा यहाँ बड़ा, ठीक है 0.6 हमारा क्या आ गया MPC आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ MPC की वैल्यू हम 0.6 रख सकते हैं, ओके, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, ठीक है। तो हम MPC की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। अब हमारे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा हम ऊपर इसको हम ऊपर ले जाते हैं,
तो हम ये क्वेश्चन, अब हम यहाँ से क्वेश्चन हम बिठा दें, इसको थोड़ा सा छोटा रखें, ज़्यादा ठीक नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये आ गया सी बार वाई, हमारे पास मालूम है। तो हमने क्या किया, हम इसको लिखते हैं सी बार इज इक्वल टू सी माइनस डी वाई, लिख सकते हैं ना, क्रॉस में क्रॉस कर दिया इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं सी बार इज इक्वल टू, सी कितना है 20,000 माइनस 0.6 इंटू 20,000, ठीक है। अब हम लिखते इसके बाद सी बार इज इक्वल टू 20,000 कॉमन हो गया 1 माइनस 0.6 हो गया, ये हो जाएगा 20,000 इंटू 0.4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर हम लिखा हूँ सी बार दिखाई दे रहा है यहाँ पर, हाँ सी बार इज इक्वल टू 20,000 इंटू 4/10 और ये कर दिया और हमारा गया 8,000। तो हमारा सी बार की वैल्यू आ गई 8,000, मतलब हमारा सी बार क्या है, अगर हम यहाँ ड्रॉ कर दें तो हमारा ये सी बार है, क्योंकि यहाँ पर ये सी बार है, ठीक है, इसी को ये हमारा सी बार है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई 8,000। तो हमने पहले क्या लिखा, पहले ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर बनाते हैं सी इक्वल टू वाई, और तो वह 20,000 हमारा करोड़ गया। यहाँ पर इनकम दिया हुआ था और इनकम से हमने ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट तो यूज करते हुए तो मैंने लिखे डायग्राम्स बनाए, और मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, सी बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, वाई की एंगल क्या होती है, वाई कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है, मतलब आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो सॉल्व मैं कर ही रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑल्सो, इट्स अ वेरी इनोवेटिव वे एंड यू शुड सी इट एंड इट इज़ अ वेरी गुड फॉर यू। थैंक यू डियर फ्रेंड।